आज मनरेगा के पिछले एक साल के कार्यों का हमने रिव्यू लिया और बहुत अच्छा आउटपुट पिछले वित्त वर्ष के अंदर आया। 2019-20 में जहां हरियाणा प्रदेश में 370 करोड़ रुपए के लगभग मनरेगा का खर्चा था, पिछले साल कोरोना में ग्रामीण एरिया में रोजगार के संसाधन बनाकर कैटल शेड बनाकर हरियाणा प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि हम 803 करोड़ रुपए के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हरियाणा प्रदेश में अचीव कर पाए। आज समीक्षा बैठक में जो नए कार्य मनरेगा के अंदर आए हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई और आने वाले दिनों में हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी ग्रेन स्टोरेज, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो केंद्र ने अभी नए जोड़े हैं मनरेगा के अंदर, उन कार्यों को साथ जोड़ते हुए हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 803 करोड़ को 1200 करोड़ रुपए तक ले जाने का प्रदेश के अंदर रूरल डेवलपमेंट विभाग कार्य करेगा, जिसे ग्रामीण अंचल में बैठे लोगों को मनरेगा का लाभ भी मिलेगा और खास तौर पर हॉर्टिकल्चर जैसी फार्मिंग में ड्रिप इरिगेशन हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट ट्री प्लांटेशन हो, इन तमाम कार्यों को भी हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएंगे। हमारा यही टारगेट है कि ग्रामीण अंचल में विकास की जो गति है इसको और अच्छे तरीके से हम लेकर जाएं। और हमने अब ये भी मन बनाया है कि एमएसएमई के अंदर जैसे पहले हम वन डिस्ट्रिक्ट वन क्लस्टर की बात करते थे, हरियाणा प्रदेश एक मॉडल पिछले एक साल में बना जिसको केंद्र ने इस साल के बजट में अपनाने का काम किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम उससे भी आगे बढ़ने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के 137 रूरल ब्लॉक्स के अंदर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट तक ले जाने का काम करेंगे, जिसमें कॉमन सर्विस फैसिलिटीज़, लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटेंसी जैसी कॉमन व्यवस्था को उस क्लस्टर के अंदर हम दें, जिससे ग्रामीण काम करने वाला छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने आप को बड़ी इंडस्ट्री से कम्पीट कर पाएगा। और उसके लिए हमने टीम को पिछले 15 दिन पहले टास्क दिया था और आज खुशी है कि उनने 140 ब्लॉक्स को सेग्रीगेट किया है, 137 ब्लॉक्स को, और 137 ब्लॉक्स के अंदर उनने प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग भी करी है। और ऐसा भी आया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ब्लॉक तो ऐसा निकला है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा छोटी जो अपने जुतियाँ होती है, पुराना कल्चरल पार्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। हैंडीक्राफ्ट के अंदर जैसे आज लुप्त हो चुके क्योंकि कैसरोल जा चुके, पुराने गांव में छाबड़े हुआ करते थे, आज ऐसे भी ब्लॉक है जहाँ पूरा पूरा गांव छाबड़े बनाता है। ऐसे ब्लॉक भी मिले हैं जहाँ मालाएँ बनाने का, चाहे वो चंदन की हो चाहे वो कॉटन की हो, बड़े लेवल पर टास्क चल रहा है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में HGPP के माध्यम से वन ब्लॉक वन क्लस्टर के पूरा एग्रेसिवली लेकर चले और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक को किसी न किसी इंडस्ट्रियल विजन के साथ जोड़ने का काम करें।